उत्तराखंड के जसपुर में लगातार एक के बाद एक अवैध चिकित्सालय पर प्रशासन कार्यवाही कर रहा है। इस कड़ी में मोहल्ला जुलाहान में हेल्थ केयर सेंटर में छापामारी की गई। चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि अवैधनिक रूप से चल रहे चिकित्सालय को शहनवास चला रहा था। वही चिकित्सालय से प्रतिबंधित इंजेक्शन भी बरामद हुए। वही इस कार्यवाही के दौरान मौके से चिकित्सालय संचालक फरार हो गया। जसपुर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। यहाँ पर एक अवैध क्लिनिक चल रहा है। आज हमने अपनी टीम के साथ यहाँ पे छापा मारा तो पता लगा कि यहाँ पे अंदर बाहर कोई बोर्ड नहीं है, कुछ नहीं है। उसके बावजूद अंदर यहाँ पे काफ़ी मात्रा में दवाइयाँ हैं। अंदर लेबर टेबल पड़ी हुई है, ओटी के सामान है और उससे रिलेटेड काफ़ी सामग्री यहाँ पर पाई गई है। और इसमें जो है मेन ये है कि NTPS के अंतर्गत जो प्रतिबंधित दवाइयाँ हैं वो भी यहाँ से मिली हैं, तो पुलिस को बुला लिया गया है और यहाँ से मजिस्ट्रेट को भी, SDM साहब को भी खबर कर दी गई, क्योंकि SDM साहब अभी शायद बाहर है कहीं स्टेशन पे, तो वहाँ में यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। उनको फ़ोन से सूचना दी गई है और उसकी सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। उसमें FIR दर्ज की गई और दो तीन यहाँ पे महिलाएं बैठी हुई थी। जो लड़का है उसने अपना नाम शाहनवाज बनाया लेकिन बताया और उसके बाद में वो यहाँ से गायब हो गया। और एक यहाँ पे जो हमारे पास मरीज बैठे हुए थे उन्होंने बताया कि कोई सपना नाम की महिला यहाँ पे काम करती है। ये सपना का नाम यहाँ पे कई बार आ रहा है, इसकी जांच करके और उसके खिलाफ भी कार्रवाई की गई।